और बताइए स्टैंड अप कब से मतलब नहीं है यार, सब भरे हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के पार्ट टू में। और जर्नी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पार्ट वन में आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो जाके जल्दी से देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है पार्ट वन का। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू। स्टैंड अपनी रफ्तार फिर से पकड़ रही है, गाइस स्टैंड पूरी रफ्तार में भाग रही है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, नाउ वी वांट टू स्किप रुंडी। क्या बवाल भाग रही है गाइस, स्पीडोमीटर को बंद करते हैं अभी।
मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। यह पश्चिम एक्सप्रेस है मथुरा जंक्शन, जिसका कि स्टेशन कोड है MTJ और ये पड़ता है NCR जोन के आगरा डिवीज़न में। और यहाँ पे हम लोग का 1 मिनट का हॉल्ट है और पीछे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है। काफ़ी मज़ा आया, 150 पिक किया, मज़ा आया। और गाइस मथुरा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से
न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन, न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइन और यहाँ से कासगंज वाली लाइन भी के लिए जाने का रास्ता है, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन कुछ समय में निकलेगी तो दिखाते हैं। तो हम लोग अभी मथुरा जंक्शन से निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन नंबर 12002 क्या गाइस स्पीड की 150 kmph और यहाँ पे ये एक टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बांके बिहारी कृष्ण जी का मंदिर है बगल में वृंदावन में। और टीटी सर हैं, तो चलिए गेट को बंद कर देते हैं मथुरा जंक्शन। मथुरा मथुरा गाइज, हम लोग की ट्रेन मथुरा जंक्शन से निकल चुकी है और दिखाते हैं आपको कुछ खतरनाक स्किप और बनाते हैं ट्रेन को और ट्रेन जर्नी को और मस्त। जैसे हम लोग मथुरा से निकले, सामने से मुंबई न्यू दिल्ली लाइन पे आ रही थी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन निकली थी वो थी हजूर साहब नांदेड़ सुपरफास्ट। तो गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जर्नी आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि अभी हमको तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाहर का लुक देख सकते हैं आप लोग, मस्त ट्रेन निकल रही है फुल स्पीड में। और अभी जस्ट कुछ देर पहले मथुरा गया और आगरा आने वाला है, हम लोग आगरा पे रिपोर्ट कर जाएंगे और इसके बाद शाम को हम लोग की ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, तो उसमें जर्नी करेंगे, फिर वो अलग जर्नी आएगी। और अभी गाइस मैंने दिनों ने चाय दिया था और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, बट शायद मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मतलब ब्रेकफास्ट ले पाऊँगा क्योंकि आगरा उतर जाऊँगा, कुछ समय में आगरा आने वाला है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कभी और फुल जर्नी करेंगे इस ट्रेन की। और में हूँ
ठीक है नहीं है यार सब भरे हैं। सर बताइए आपको इस ट्रेन में कैसा एक्सपीरियंस है जॉब करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लगता है लोगों से मिलते हैं। और बताइए इस ट्रेन में आप कब से मतलब जॉब कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया है जॉब करते हैं, अच्छा लगता है लोगों से। तो गाइस हम लोग भोपाल से शताब्दी में जर्नी कर रहे थे और उनसे सर मिले और हम लोग जर्नी को जल्दी बर्थडे पे। हाँ तो गाइस हाँ नाम तो वही रहेगा बट ये हबीबगंज से इसका नाम चेंज होकर रानी कमलापति हो गया और 34th बर्थडे इसका। और हम लोग वाराणसी से आए हैं इस ट्रेन को कैप्चर करने, तो काफ़ी अच्छा लगा सर से मिल के। और हम लोग जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं आगरा तक और सामने हमारी जर्नी होगी गतिमान, तो वो भी आप देखिएगा और सर के साथ फोटो ले लेते हैं। तब के लिए बाय बाय और मिलते हैं आगरा। तो हम लोग जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, आगरा कैंट आ चुके हैं और टोटल 192 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट आई है और काफ़ी जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फूड ब्रेकफास्ट तो नहीं मिला बट ठीक था। और स्पीड की बात करें तो पंक्चुअलिटी का काफ़ी अच्छी ट्रेन की है और यहाँ से निकलेगी। तो चलिए ऐसे सपोर्ट करते रहे ट्रेन। भोपाल शताब्दी की जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैं आ चुका हूँ ट्रेन डिबोर्ड करने के बाद फर्स्ट क्लास एसी लॉन्ज में बैठा हुआ हूँ और काफ़ी देख सकते हैं खाली है, तो बैठ के फ़ोन चार्ज कर रहा था अभी। और इस ट्रेन जर्नी को आप लोग शेयर करिएगा ज़रूर से, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने ये बड़े मेहनत से बनाया है और आज उसका बर्थडे था और आज ही दूसरी जर्नी भी बनाऊँगा शाम को, इसलिए बैठा हूँ आगरा में, अभी वापस दिल्ली जाऊँगा शाम को। और गाइस जर्नी आप लोग अगर भोपाल शताब्दी की अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को जर्नी करने में कितना अच्छा लगता है या फिर जर्नी से रिलेटेड कोई भी चीज़, क्योंकि गाइस जर्नी में बेस्ट पार्ट क्या है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो फुल स्पीड लगा और टीटी सर ने मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि उनको कैसा लगता है जॉब करके। गाइस वो बोर नहीं हुए आज तक, तो हम लोग तो कभी कभी जर्नी करने वाले हैं और यही एक्सपीरियंस था मेरा। और ट्रेन तो गाइस काफ़ी पसंद है मुझे और अच्छा लगता है जर्नी करने में, तो गाइस बोर तो कभी होते नहीं और ऐसे ही ट्रेन जर्नी करते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और आई लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।